और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत को लगातार बदनाम कर रहे हैं, वही विपक्ष एकजुट होकर भी एनडीए का कुछ नहीं कर सकती। रविशंकर प्रसाद ने लालू प्रसाद यादव पर भी जमकर बरसे, कहा कि घोटाले की बात की जाए तो कोई लिस्ट बाहर आ जाएगी। राहुल गांधी पहले भी राजनीति को कभी नहीं सीरियस लिया, बच्चों का खेल समझते हैं। वो एमपी भी है, संविधान की शपथ ली है। कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी से, सोनिया जी से, प्रियंका से, खड़गे साहब से, आप इसको सही मानते हैं? क्योंकि तो आपको मोदी जी को हटाना है, इसलिए उनको गाली पड़ते हैं, गलत विषय। लेकिन ये जो शब्द दिया एनिमीज ऑफ राम है, क्या इससे आप एग्री करते हैं? If you say भारत माता की जय, you will never accept it। मैंने सुना राहुल गांधी आज उज्जैन जा रहे हैं महाकाल का दर्शन करने। तुम्हारे संजय मयूर जी बहुत बड़े भक्त हैं, महादेव के हम लोग भी हैं, तो वहां जाकर के तो महादेव की स्तुति करेंगे ना? राहुल गांधी जय महादेव बोलेंगे ना? तो बोलेंगे तो इसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं? कांग्रेस पार्टी के लोग दिखावे के लिए जाते हैं मंदिर में, और भारतीय आस्था, भारतीय ईश्वर की पद्धति, हमारे संस्कार इन सबों का अपमान करते हैं या खामोश रहते हैं। यह है बड़ा सवाल। इसलिए एक इंडिया गठबंधन या तो भारत के आस्था, संस्कार, संस्कृति, सनातन के अपमान पर चुप रहता है, मौन स्वीकृति, या बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि चुनाव जीतना जरूरी है।